बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है हॉस्पिटल ट्रेनिंग से संबंधित, डी फार्मा, बी फार्मा, तो आप भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, बहुत से विद्यार्थी जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डी फार्मा, बी फार्मा कंप्लीट करके हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने पूछा है कि 3 मंथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग आफ्टर डी फार्मा, इसके बारे में सर प्रोसेस बताइए। तो साथियों, उसके बारे में ऑलरेडी जो है इसी से सिमिलर हमने वीडियो एक बनाया था, आज फिर हमारे जो है आज फिर हम बनाएंगे। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग में हैं, नाइट शिफ्ट है साथियों आज हमारी, इसमें कुछ डी फार्मा है, कुछ बी फार्मा है। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत से विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं, दूर दराज भी होते हैं, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। साथियों, जैसे आज एक इलाहाबाद से विद्यार्थी ने फ़ोन किया था कि सर हमको हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, और मैंने उसको जो है ट्वीट किया, और तुरंत ही अपने एक फ्रेंड हमारे हैं जो कि मनीष वर्मा वहाँ पे पोस्टेड है, मैंने उनका जो है नंबर दिया, और विद्यार्थी की समस्या सॉल्व हो गई, उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी। इसी तरह से एक विद्यार्थी ने स्टडी क्वेश्चन किया था कि सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ और मुझे बहुत दिक्कत है, जहाँ भी जाता हूँ कॉलेज वाले हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि सीट फुल हो गई है। तो मैंने तुरंत जो है आरएस राणा जो कि महामंत्री डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन आगरा जिला के हैं, साथ ही साथ संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, मैंने उनका नंबर दिया, उन्होंने तुरंत हेल्प की और आगरा मेडिकल कॉलेज में वो विद्यार्थी जो है ट्रेनिंग कर रहा है। साथियों, इसी तरह से कोई क्वेरी है और मैं जो है आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगा, और मुझे अपने संवर्ग के हित के लिए और संवर्ग की जो है विद्यार्थी की चाहे जिस तरह की समस्या हो उसकी मदद करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। साथियों, मैंने YouTube चैनल ही इसीलिए बनाया है कि अपने संवर्ग को जो है आगे बढ़ावा देने के लिए, ना कि किसी तरह से, हमारा दूसरा इंटेंशन नहीं है। लोग क्या करते हैं यूट्यूब चैनल बना के गलत फलत जो है जानकारियाँ देते हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि मैं खुद एक जो है ट्रेनिंग मास्टर हूँ, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देता हूँ हॉस्पिटल में 3 मंथ और जो है 45 डेज बी फार्मा वालों को। तो जो है आप मुझसे पूछेंगे तो जो सच्चाई होगी मैं वही बताऊँगा, किसी तरह का जो है उसमें कोई वो नहीं होगा। साथियों, जैसे ही आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन फार्मेसी कम्प्लीट करके निकलते हैं, तो आपको वहाँ से जो है तुरंत, जैसे एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का, आपको जो है 3 फॉर्म लेटर, मतलब 3 सेट, एक फॉर्म इस तरह से साथियों फॉर्म होगा, दिस इज कवरिंग लेटर। एक विद्यार्थी हमारे पास आए हैं अभी, JBS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, साथियों ये 12 बंकी में है, ये देखिए कवरिंग लेटर है इस तरह से सभी कुछ, उसके बाद ये फॉर्म है, फॉर्म में देखिए लिखा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर फार्मासिस्ट। साथियों, इसमें सेक्शन 1 है जो कि विद्यार्थी के द्वारा भरा जाता है, जब कॉलेज या इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी विद्यार्थी पढ़ता है वहाँ पे इशू होता है तो एट ए टाइम उसकी डेट डाली जाती है, यहाँ पे ये देखिए पड़ी है 8/9/2021, साथ ही साथ उसका HOD प्रिंसिपल या जो भी जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, और कॉलेज या इंस्टीट्यूट की उसकी जो है सील लगी होती है। सेकंड कॉलम साथियों होता है जो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर है उसके द्वारा भरा जाता है, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है विद्यार्थी की, ये देखिए साथियों यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी के नाम, हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर यहाँ पे, जैसे कि मेरा नाम लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे जो है कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, साथ ही साथ हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे विद्यार्थी का सिग्नेचर, जैसे मान लो आज के दिन शुरू होगी डेट तो वो यहाँ पे डेट डाल दी जाएगी। थर्ड सेक्शन है उसमें भी ऐसे ही है, विद्यार्थी का नाम पड़ेगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर का नाम, और यहाँ पे जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम पड़ेगा, पीरियड कि कब से इन्होंने स्टार्ट की थी और कितने दिन में कंप्लीट हुई, साथ ही साथ ये 500 आवर्स की है 3 मंथ, और यहाँ पे ट्रेनिंग मास्टर का जो है सिग्नेचर होगा और यहाँ पे डेट पड़ेगी। फिफ्थ कॉलम क्या होता है कि जब हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, साथियों जो 3 फॉर्म सेट लेके आता है जिसमें से एक तो हम रख लेते हैं और 2 फॉर्म जो है विद्यार्थी को दे देते हैं, विद्यार्थी रिपीट जो है इंस्टीट्यूट या कॉलेज जहाँ से पढ़ रहा होता है वहाँ जाता है, और वहाँ पर ये जो है फिर ये फिफ्थ कॉलम है उसको कंप्लीट करा के जो भी HOD या प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पे सिग्नेचर करता है और उसकी डेट डाल देता है। एक जो है कॉलेज या इंस्टीट्यूट फॉर्म रख लेता है, फिर एक बचता है उसको लेके PCI विद्यार्थी जाता है, जिसमें उसके 10th 12th के मार्क्स कार्ड और सर्टिफिकेट, और जो है उसी तरह से फार्म अगर डी फार्मा किया है तो 1st ईयर मार्क्स कार्ड,
और सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर मार्क्स का जो सर्टिफिकेट, साथ ही साथ उसकी जो है 6 फोटो एंड आधार की जो है जीरोक्स, जहाँ का नेटिव प्लेस है वहाँ की उसका जो आधार बना होगा उसका जीरोक्स, और जो है सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाके सबमिट करने से, और उसकी जो PCI की फीस है उसका जो है सबमिट करने से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब प्रोसेस हो जाता है। साथियों, ये तो प्रोसेस है कि इस तरह से होता है। हॉस्पिटल में सीखना क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी हमारे आता है, जैसे अभी हमारे पास विद्यार्थी हैं बैक साइड खड़े हैं, 3 मंथ की ट्रेनिंग है, 500 आवर्स है, जिसमें हम कहीं पे 10 डेज की लगाते हैं, कहीं 15 डेज की, कहीं पे 20 डेज। उसमें होता क्या है, जैसे OPD में सभी तरह के डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं और वो जो है मेडिसिन लिखते हैं, और वो OPD में जहाँ फार्मासिस्ट बैठते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो जो है वहाँ दवा देते हैं। उसके बारे में हम सब सिखाते हैं, कितने तरह की दवाइयों का यूज क्या है, और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें BD है तो BD का मतलब क्या है, बिसेंडाइड TDS लिखा है तो ट्राइस ए डे, दिन में 3 बार, इस तरह से दवा की डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट का है। सभी तरह के मरीज आते हैं, जैसे डेंटल के पेशेंट देखते हैं, उन्होंने डॉक्सी लिखा, बी कॉम्प्लेक्स लिखा, और साथ ही साथ क्या होता है कि एक पेन किलर डाइक्लो लिखा तो उसको देना है। और उसी तरह से गायनी डॉक्टर बैठते हैं, आर्थोपेडिक बैठते हैं वहाँ पे, और सर्जरी के डॉक्टर बैठते हैं, साथ ही साथ फिजिशियन बैठते हैं, आई ऑप्थल्मिक डॉक्टर बैठते हैं एंड पीडियाट्रिशियन बैठते हैं, सभी तरह के डॉक्टर हमारे यहाँ बैठते हैं। साथियों, इसी तरह से एक इंजेक्शन रूम है। इंजेक्शन में कितने प्रकार के इंजेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे लगता है एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ इंजेक्शंस, कि जैसे डाइक्लो है, डाइक्लो किस काम आएगा, IM ही लगेगा। साथियों, डाइक्लो हमेशा IM लगता है, लेकिन कभी कभी कोई रेयरली जो है IV भी लगता है। वो स्पेशली मैन्युफैक्चर किया जाता है साथियों, और जो एक्सीडेंटल होते हैं या ट्रामा या इमरजेंसी में मरीज भर्ती होते हैं उनको सेलाइन के माध्यम से स्लोली चढ़ाया जाता है। वो इंजेक्शन क्या होता है, उस पर ऑलरेडी उस पर मेंशन होगा कि IV यूज ओनली, इस तरह से, अदरवाइज IM लगाया जाता है। इस तरह से बहुत से इंजेक्शन है, उसका रूट है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, IM लगेगा कि IV लगेगा, उसी तरह रैबिस इंजेक्शन कैसे लगता है, और टिटनेस टॉक्साइड कैसे लगता है, और स्नैक बाइट का इंजेक्शन है कैसे लगता है, ये सभी चीज़ें हम सिखाते हैं। उसी तरह से पीडियाट्रिक OPD है साथियों, उसी तरह से TB एंड चेस्ट पेशेंट देखे जाते हैं, फेफड़ा से ग्रसित हैं, COPD का केस है, या जो है किसी तरह का लंग्स में इन्फेक्शन है, उसकी सेपरेट OPD होती है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे दवा लिखते हैं। इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं 3 शिफ्टों में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट में। जैसे कि आज मेरी नाइट है, नाइट में विद्यार्थी आए हैं, किसी तरह का मरीज आएगा, एक्सीडेंटल केस आएगा, हैंगिंग केस आएगा, पॉइजनस केस आएगा, या किसी तरह का जो है पेशेंट रिफ़र हुआ है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है CSC PSC से लखनऊ के लिए जो है रिफ़र किया जाता है, क्योंकि हमारा 240 बेड का हॉस्पिटल है, सभी तरह का इलाज है इसमें, तो उसको हम डॉक्टर के साथ जो है भर्ती करते हैं, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद जब वार्ड में शिफ्ट होता है तब जो है नर्सिंग केयर जो है वहाँ होती है, नर्सें उसको जो है VGO IV सेट लगाती है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी होता है, वीगो कैसे लगेगा, IV सेट करेगा, SpO2 कैसे उसका चेक होगा, BP कैसे चेक होगा, सभी कुछ हम बताते हैं। इवन यहाँ तक कि एक्सरे तक की देखने का, अगर फेफड़े में प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो विद्यार्थियों को वो भी साथ में हम बताते हैं, तो वो डॉक्टर साहब भी जो है उनको बताते हैं कि कैसे देखना है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ECG अगर रिपोर्ट है तो कैसे देखना है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, सभी कुछ हम साथियों सिखाते हैं साथियों। और कौन सा इंजेक्शन कब लगेगा, कैसे लगेगा, जो BST भरते हैं साथियों उसको भी हम सारा जो है बताते हैं। तो साथियों, इस तरह से सारी ड्यूटी होती है, और बहुत से विद्यार्थी आते हैं इस तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम करते हैं। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी साथियों देश विदेश पूरी दुनिया में जो है हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो है अपग्रेड होकर अपना क्लिनिक खोल लिया है, बाद में BHMS कर लिया है, BMS कर लिया या BYNS कर लिया है, तो फार्मेसी से उनको बहुत हेल्प मिलती है और बहुत अच्छी क्लिनिक चल रही है। एक पास में हमारा एक विद्यार्थी आया था 3 साल पहले, माल में लगभग डेली जो 100-150 पेशेंट डेली देखता है, माल एक जगह है डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में ही, इस तरह से बहुत जगह हमारे विद्यार्थी हैं साथियों। तो ये तो जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में था, और इसको क्या होता है कि साथियों एक विद्यार्थी ने पूछा था कि हॉस्पिटल की ट्रेनिंग के लिए अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूट फॉर्म इशू कर देता है तो वैलिड कब तक रहता है।
साथियों वो वैलिड तो हमेशा रहता है, लेकिन कोशिश ये होती है विद्यार्थी की या कॉलेज की कि इसको तुरंत आप ट्रेनिंग कर लें जैसे आपको मौका मिलता है और अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। कोई ऐसा होता है कि 2 मंथ 3 मंथ आप किसी कारणवश नहीं कर पाया या आपको सीट नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग से निकाल लीजिए। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे जो है मोटिवेशनल मिलता है, हमें उससे जो है ऊर्जा मिलती है, तो हम और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।